घोषणा पत्र के बारे में बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा, भाजपा ने पिछले 5 सालों में निर्णायक सरकार प्रदान करने की दिशा में काम किया है। 2014 में हमारी बात का सम्मान रखते हुए इस महान देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। देश में 30 साल के बाद पहली बार अस्थिरता के दौर को खत्म करते हुए एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई और एनडीए ने की सरकार ने अपना कामकाज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा, ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को साच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।